जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में करवा चौथ व्रत के नहाए खाए से लेकर के और पारण तक के संपूर्ण नियम विधि जानेंगे और ये भी जानेंगे कि हमें व्रत के पारण के दिन कौन सी ऐसी एक गलती है जो हमें नहीं करनी है। तो इसी के ऊपर आज का मेरा वीडियो है, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आप लोगों को सभी महत्वपूर्ण जानने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहले आप सभी को करवा चौथ व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो बता दूं कि साल 2024 में करवा चौथ का जो व्रत है 20 अक्टूबर को है, दिन है रविवार। तो ये जो व्रत है वो हर सुहागन महिला अपने अखंड सुहाग के लिए, अपने पति के लंबे आयु के लिए इस व्रत को करती है। तो जिसके भी घर में ये व्रत चलता है वो लोग जरूर कर लेंगे। तो बता दूं कि व्रत से पहले हमें नहाए खाए के नियम करने चाहिए, क्योंकि कोई भी व्रत हो साल भर 6 महीने पे आता है तो उसमें नहाए खाए का बहुत अधिक महत्व रहता है। इसलिए आप लोग 19 अक्टूबर को, दिन है शनिवार, तो इस दिन आप लोग नहाए खाए के नियम कर लीजिएगा, बाल धोकर के स्नान कर लीजिएगा, शुद्ध सात्विक भोजन कीजिएगा। तो बता दूं कि बहुत सारे लोग बोलेंगे कि शनिवार के दिन हम बाल कैसे धोएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो शनिवार और मंगलवार के दिन, गुरुवार के दिन बाल नहीं धोते हैं। तो देखिए, व्रत त्योहार में इतना नहीं देखा जाता है, आप लोग मतलब कि ऐसे दिनों में आप धोए ना धोए, लेकिन व्रत त्योहार में इतना नहीं देखा जाता है, आप लोग धो सकती हैं। नहीं तो आप लोग शुक्रवार के भिनसार में 4:30-5 बजे के आसपास में आप लोग बाल धोकर के स्नान कर लीजिएगा। तो बता दूं कि स्नान करने से पहले हमें दातुन से ब्रश करना चाहिए या नया ब्रश से आप लोग ब्रश कर लीजिएगा, क्योंकि जूठा ब्रश से ब्रश मत कीजिएगा, क्योंकि उसी से हम लोग लहसुन प्याज खाए रहते हैं, ब्रश किए रहते हैं। तो उस ब्रश से आप लोग ब्रश ना करें, नया ब्रश से करें या दातुन से करें तो सबसे अच्छा है। इसके बाद जब आप स्नान कर लेते हैं तो साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें, अपने मंदिर में जो भी हल्का फल्का पूजा है वो कर लीजिएगा। इसके बाद में आपको शुद्ध सात्विक भोजन करना है, तो इसमें मूली, बैगन, मसूर का दाल ये सब नहीं खाया जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। लहसुन प्याज मतलब कोई भी तामसी भोजन नहीं किया जाता है नहाए खाए के दिन। तो आप लोग शुद्ध सात्विक भोजन कर लीजिएगा। तो ये हो गया नहाए खाए के नियम। इसके बाद में हमें शनिवार के भिनसार में सरगी खाना है, तो सरगी खाने से पहले आप लोग बाल से स्नान कर लीजिएगा, क्योंकि माथा ठंडा रहता है तो प्यास भी नहीं लगती है। तो आप लोग स्नान कर लीजिए, इसके बाद में आप अपने मंदिर में जो ही रेगुलर पूजा करती है वो थोड़ा बहुत पूजा कर लीजिए, अपने व्रत का संकल्प ले लीजिए हाथ में फूल लेकर के कि हे माँ, मैं आपकी कृपा से व्रत को रखने जा रही हूँ, इस व्रत को निर्विघ्न संपन्न कराइएगा। तो ऐसे हमें व्रत का संकल्प लेनी है। इसके बाद में आप लोग सरगी खा लीजिएगा। तो सरगी में आप चाहे तो अन्न भी खा सकती हैं, फल फ्रूट भी खा सकती हैं, जो आपका इच्छा हो वो खा लीजिएगा। तो बता दूं कि इसमें ठंडी चीजों का सेवन करें तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ठंडी चीज खाने से हमें प्यास नहीं लगती है। ऐसे ये ज्यादा देर का व्रत होता नहीं है, 12 या 14 घंटे का व्रत होता है। तो आप लोग सरगी खा लीजिएगा। सरगी खाने के बाद में आप अपने दांत को अच्छे से साफ कर लीजिएगा, ताकि हमारे मुख में कुछ भी जूठा ना फंसा हो, क्योंकि जब हम फास्ट रह जाते हैं तो अगर कुछ भी मुख में जूठा आता है तो उस व्रत को खंडित माना जाता है। इसलिए आप लोग ब्रश जरूर कर लीजिएगा। हम बता दूं कि सरगी आपको 3:30 बजे से लेकर के और 4:30 बजे तक आपको खा लेनी है, क्योंकि जब कौए की आवाज कान में सुनाई देता है तो आपको सरगी नहीं खानी चाहिए, इससे पहले आपको सरगी खा लेनी है। 4:30 बजे तक लास्ट आप लोग सरगी खा लीजिएगा। जो लोग भी मेडिसिन वगैरह लेते हैं वो अपना भिनसार में ही ले लेंगे, ठीक है। इसके बाद हमें पूरे दिन निर्जल और निराहार व्रत रखना है, पूरे दिन हमें कुछ भी खाना पीना नहीं है। फिर शाम के समय में हमें फिर से स्नान करनी है, फिर से जो भी अगर आप नया कपड़ा रखिए तो वो पहन लीजिए, लाल पीला वस्त्र पहन करके या शादी का जोड़ा पहन करके इस व्रत को किया जाता है। तो शाम में स्नान कर ले, 16 श्रृंगार करें, अपने सिंधोरा से सिंदूर लगाएं। इसके बाद में करवा चौथ माता की विधि विधान से पूजा करें। तो मैं पूजा विधि भी अपने चैनल पे डाली हूँ, आप लोग चेकआउट कीजिएगा, आप लोगों को सभी महत्वपूर्ण बातें उसमें जानने को मिलेगा। तो आप लोग एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा, पूजा से संबंधित सभी बातें जानने को मिलेगा कि हमें कलश स्थापना कैसे करनी है, करवा स्थापना कैसे करनी है और हमें पूजा कैसे करनी है। तो ये सब उसमें बताई हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। तो हमें शाम के समय में 16 श्रृंगार करके करवा चौथ माता के घर में पूजा करनी है। तो जो शाम का जो पूजा का जो शुभ मुहूर्त रहेगा ना, वो 5:47 से लेकर के और 7:10 तक रहेगा। तो इस बीच में आप लोग पूजा पाठ अच्छे से सज सवर करके करनी चाहिए, क्योंकि सुहाग का व्रत है, करवा चौथ का व्रत है और एक दिन पहले ही आप लोग मेहंदी वगैरह सब कुछ लगा लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग जब पूजा कर
बाद में आपको चंद्रदेव को अर्घ देनी है। शाम में चंद्र उदय का जो समय होगा वो 20 अक्टूबर के रात में 8:16 पर चंद्र उदय होगा। तो जब आपके यहाँ चंद्रदेव दिखाई दे तभी आपको चंद्रदेव की पूजा करनी है। तो जब आप करवा चौथ माता की घर में पूजा कर लेते हैं इसके बाद में आप अपना थाली सजा लीजिए। थाली में आपको छलनी, कड़वा, दीपक, फूल, चंदन, ये सब सामग्री आप लोग अपने थाली में जरूर रख लीजिएगा, ठीक है। तब जाकर के आप लोग चंद्रदेव की पूजा कीजिएगा। तो चंद्रदेव अगर छत पर से दिखाई देते हैं तो छत पे करें, नहीं तो अगर नीचे से भी दिखाई देते हैं तो वहां भी कर सकते हैं। तो जहां आप लोग करती हैं वहां आप लोग कर लीजिएगा। इस दिन आपको कथा जरूर सुननी चाहिए। तो जब आप चंद्रदेव को अर्घ दे देती हैं इसके बाद में आप अपना पति की पूजन कर लीजिएगा। तो पति के हाथ में कलावा बांधिए, चंदन लगाइए, उनको जो भी प्रसाद है वो खाने के लिए दीजिए, उनका चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लीजिए। इसके बाद में आपके घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनको प्रणाम कर लीजिए। और इसके बाद आपको शुद्ध सात्विक भोजन करके ही व्रत का पारण करना है। तो बहुत सारे घरों में मीठा भोजन करके व्रत का पारण किया जाता है और बहुत सारे घरों में मतलब कि नमक वाले भोजन करके पारण किया जाता है। तो बता दूं कि ऐसा नहीं है कि मतलब नमक वाले भोजन करके पारण नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन बिना लहसुन प्याज का बनाइएगा। तो ऐसा भोग बनाइएगा कि भगवान को भी भोग लगा दीजिएगा। इसके बाद में आप लोग वही शुद्ध सात्विक भोजन करके आपको व्रत का पारण करनी है। तो बता दूं कि आप लोग इस दिन कथा जरूर सुनिएगा, क्योंकि कोई भी हम व्रत त्योहार करते हैं ना, अगर उसमें हम कथा नहीं सुनते हैं तो हमारा व्रत पूरा नहीं होता है। इसलिए आपको कथा जरूर सुननी चाहिए। तो आपको करवा चौथ का जो कथा है वो आपको मेरे चैनल पे सुनने को मिलेगा। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और प्रतिदिन सुबह के सुबह कार्तिक मास की कथा भी आ रही है, तो आप लोग जरूर सुनिएगा और उसको प्यार और सपोर्ट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो इसी नियम विधि के साथ में हमें करवा चौथ व्रत की पूजा करनी है, नहाए खाए से लेकर के और पारण तक के यही संपूर्ण नियम विधि है। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नया नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर किसी को करवा चौथ व्रत के नहाए खाए से लेकर के और पारण तक के संपूर्ण नियम विधि प्राप्त हो सके। चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।